तो गाइस सबसे पहले आप लोग बताओ ये ब्लैक कलर में कैसा दिखता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मेरा नाम है अर्जुन, आप लोगों का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हमारा सामने है महिंद्रा थार, और गाइस मैं इसको आज रिव्यू दूंगा कैसा ये गाड़ी है कैसा नहीं है, और लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। ये 2023 मॉडल है गाइस, टॉप मॉडल है गाइस, और इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक का नीचे LX मॉडल है गाइस। चलो इसको वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के और देखते क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग बताओ ये ब्लैक कलर में कैसा दिखता है। गाइस नो डाउट बहुत ही मस्त है, ब्लैक कलर के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और सेक्सी भी है लुक। और देख सकते हो गाइस इधर फोर एक्स फोर का मतलब ये ब्रांडिंग है, और इधर थार भी लिखा हुआ है। और इस गाड़ी में ना इस गाइस चारों तरफ थार ही लिखा हुआ है, इधर एक लिखा हुआ है, इधर महिंद्रा लिखा हुआ है, इधर भी एक लिखा, इधर भी एक था। देख सकते हो मॉन्स्टर लुक थार। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को थार कैसा लगता है। तो गाइस बाहर से ऐसा लुक मिलता है हम लोग का महिंद्रा थार। इसका देख सकते हो MRF का टायर मिलता है, और इसमें मतलब स्पेस जितना ज़्यादा नहीं मिलता है। गाइस फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी मैंने ही बनाया, जो इसको रफ एंड टफ यूज़ के लिए डीजल गाड़ी बेस्ट होता है गाइस। और ये देख सकते हो इसका एलो व्हील। तो गाइस थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा सा गंदा, इसलिए माफ़ कर देना मुझे। और ये देख सकते हो इधर थार भी लिखा हुआ है, इधर एक थार लिखा हुआ है, सामने इधर भी एक लिखा हुआ है। आप लोग बताओ कमेंट करके थार का लुक सब लोगों को कैसा लगता है, और क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और ये देख सकते हो साइड प्रोफाइल, और आप लोगों का गाइस कितना इंच का टायर मिलता है मैं आप लोगों को दिखाते देख के बताता हूँ। 255 मतलब 18 टायर मिलता है गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। और इधर भी थार लिखा हुआ है, और इधर 4X4 मतलब ये चारों चक्का का जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट थार होता है गाइस। आप लोगों में आप चला के दिखाता हूँ ये गाड़ी कितना अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस इसमें आप लोगों को दो गियर मिलता है, इधर है 4B4 लगाने का, इधर आप लोगों को 6 गियर मिलता है। ये डीजल गाड़ी है गाइस, ये डीजल, ये देख सकते हो 7000 RPM तक मार्किंग है गाड़ी के अंदर। और ये रहा देख सकते हो मिरर वगैरह, और ये देख सकते हो वाइब्रेशन कितना कर रहा है। नो डाउट गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है गाइस, सच बताऊँ तो ऑनेस्टली बताऊँ तो ये देख सकते हो बहुत लोग तरह से कांप रहा है लगता है, ये देख सकते हो पूल अच्छा ही है गाड़ी का। ये महिंद्रा थार, तो गाइस देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। और इधर आप लोगों को गियर मिलता है, 6 गियर तक आप लोगों को मार्किंग है, और इधर मतलब आप लोगों का 180 स्पीड का मार्किंग है गाइस। अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो देखने में थोड़ा सा और भी स्पोर्टी लगता गाड़ी के अंदर, 220 तक होता तो अगर अच्छा लगता। ये अगर आप लोगों को डीजल गाड़ी में आप लोगों को 7000 RPM तक मिलता है, बट ये लॉक है गाइस, 3000 में जाके अटक जाता है। ये देख सकते हो पूरा पंजा डबा हुआ है गाइस, 3000 जाने के बाद लॉक हो जाता है गाइस, यही है। और ये रहा है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट मतलब वो क्या बोलते हैं इसका टच स्क्रीन, इधर मतलब एडवेंचर मोड, इधर मिलता है रेडियो वगैरह सब कुछ है, फोन ये एंड्रॉयड फोन एंड्रॉयड क्या क्या मिलता है सब कुछ इधर अवेलेबल है। हम लोग चाहते हैं एडवेंचर में ऑन रोड ऑफ रोड कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है। और इधर आप लोगों को कितना पावर दे रहा है क्या नहीं है सब कुछ दिखाता है, इधर स्पीड दिखाता है। और ये रहा मतलब इसका AC का कंट्रोल, इसमें आप लोगों को AC का कंट्रोल मिलता है। तो गाइस ये रहा इसको ऑन ऑफ का बटन है। और आप लोग बताओ ये मतलब देखने में कैसा लगता है, मुझे तो बताओ सच बताओ तो मुझे अच्छा लगता है, बट जो मतलब
होंडा के गाड़ी में जो फील होता है ना टच करने में, वो नहीं है इस गाड़ी में, मिसिंग है। ये तो गाइस ऑफ रोडिंग किंग है गाइस, देख सकते हो। और चलो देखते हैं। तो गाइस यही है बात है माइंडर थार का, बहुत ही अच्छा गाड़ी, आप लोग भी प्रिपेयर कर सकते हो। और नो डाउट गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छा लगता है। और पीछे का जो सीट है वो मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें 400 किलोमीटर राइड किया था। इसके बाद ऐसा लगता है कि बैक साइड पूरा टूट जाएगा, ऐसा पेन होता है इस गाड़ी के अंदर। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये गाड़ी की मतलब जो फैमिली के लिए नहीं है, आप लोग शौक के लिए खरीदना चाहते हो तो आप लोग सेकेंडरी कार खरीद सकते हो। और आप लोग XUV वगैरह में जा सकते हो, XUV 700 बा फॉर्च्यूनर में आप लोग जा सकते हो अगर बजट हुआ तो। अगर ना आप लोग इस प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा गाड़ी मिलता है, क्रेटा वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। बट ये गाड़ी ना मतलब आप लोग को मतलब फील तो ज़रूर देगा। ये नो डाउट गाड़ी के अंदर पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, पावर भी अच्छा है, गाड़ी चलाने में भी मस्त है। बट फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पीछे का डोर नहीं है और इधर से आप लोग को निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। और अगर किसी को कुछ सर घूमता है गाइस, इसको अगर पीछे बैठा दिया तो और भी मतलब ऐसा लगेगा ये मर जाएगा, ऐसा फील होगा। तो गाइस आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान से खरीदना। Thank you.